5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 ए को हमेशा के लिए हटा दिया और एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसकी वजह से भारत की जनता बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन इससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और इसी वजह से वो अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से पूरी दुनिया में घूम रहा है ताकि कोई तो उसका इस मुद्दे में साथ दे, लेकिन किसी भी देश ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत पर हमला करने की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। साथ ही साथ उनके कुछ नामुराद मंत्री ऐसे भी हैं जो ये बात कह रहे हैं कि वो परमाणु हमला कर देंगे, उनके पास भी परमाणु बम है और वो ऐसा करने में बिल्कुल भी झकझकेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि जैसे भारत ने अपने परमाणु बम दिवाली में चलाने के लिए बनाए हैं, और ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह और राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब बात होगी तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी, यानी कि अब बात होगी तो पीओके पर होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में और भी ज्यादा खौफ का माहौल है। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें कल देखने को मिला, इमरान खान के मंत्री शेख रशीद को कल मोदी का नाम लेते ही 440 वोट का झटका लग गया। शेख रशीद पाकिस्तान के एक ऐसे नामुराद मंत्री हैं जो सबसे ज्यादा विवादों में रहते हैं, भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भारत पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करने को कहा था, जिसके बाद उनके ऊपर अंडे फेंके गए थे और वो भी पाकिस्तान में नहीं बल्कि ब्रिटिश में, लेकिन तब भी उनको अक्ल नहीं आई और चल दिए भारत के खिलाफ बोलने, जिसकी वजह से उन्हें एक जोरदार झटका लगा और ऐसा झटका लगा कि पूरी दुनिया में उनके ऊपर लोग हंस रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने आवाम से कहा था कि कश्मीर के मसले पर शुक्रवार के दिन सब लोग आधे घंटे खड़े होंगे। इस बात को मानकर पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद एक सभा में भारत के खिलाफ भाषण दे रहे थे और इसी दौरान उन्हें माइक से झटका लगा और वो अचानक डर गए। इस पर वहां आए लोग हंसने लगे तो बात संभालते हुए मंत्री जी बोले कि मोदी इस जलसे को खराब नहीं कर पाएगा। शुक्रवार दोपहर को जब वो भाषण दे रहे थे तभी उनके माइक में उन्हें झटका लगा। वो जब भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे और जैसे ही उन्होंने मोदी का नाम लिया तभी उन्हें करंट लग गया और वो अचानक बहुत डर गए। उनकी इस बात पर दुनिया भर में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे ये बात नई नहीं है कि पाकिस्तान के किसी भी मंत्री का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान के किसी ना किसी नामुराद मंत्री का मजाक उड़ ही जाता है। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।